उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी नंबर 112 में संविदा पर काम कर रही महिलाएं सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गई हैं और आउटसोर्सिंग के जरिए डायल 112 में काम कर इन महिलाओं की मांग है कि उनकी सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाए। लखनऊ शहीद पथ के पास स्थित पुलिस कंट्रोल रूम 112 मुख्यालय की सैकड़ों आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और नियुक्ति पत्र तुरंत देने की मांग करते हुए सोमवार दोपहर 2 बजे काम बंद कर दिया और इससे सेवा बाधित होने लगी। वहीं करीब 4 बजे ये महिला कर्मचारी मुख्यालय के सामने सर्विस लेन में धरने पर बैठ गई और एडीजी डीसीपी और एडीसीपी ने उन्हें समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने प्रदर्शन खत्म नहीं किया। वहीं महिला कर्मियों ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया और साथ ही महिला कर्मचारियों ने जब मुख्यमंत्री आवास का रुख किया तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रजमन बाजार में रोक कर हिरासत में लिया। और वहीं जब देर रात महिला कर्मचारी प्रदर्शन कर रही थी तो पुलिस ने बिजली सप्लाई बंद कर दी और देर रात 200 से अधिक महिला कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़ी रही थी और कुछ महिला कर्मचारी धरने में शामिल नहीं हुई, जिनके साथ महिला पुलिस कर्मियों ने 112 सेवा का काम संभाला। हालांकि प्रदर्शन की वजह से ये सेवा रात तक सामान्य नहीं हो सकी थी। मेरा नाम हर्षिता है, मैं यहाँ की 4 साल से एम्प्लॉय, हम लोग की सैलरी नहीं बढ़ी। आज बेटा 112 के बाद धरने बैठी क्यों बैठी, क्या है? क्योंकि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही। ऑफर लेटर नहीं दिया, ऑफर लेटर नहीं दिया। हमारी सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग 4 साल से 12,000 में काम करें, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है हमारी सैलरी 18,000 की जाए, ऑफर लेटर दिया जाए। ऑफर लेटर दिया, दिवाली से पहले से हमारी बस डिमांड है। कब से नौकरी कर रही हूँ, ऑफर लेटर 4 साल से बैठे हैं, अभी तक ऑफर लेटर नहीं दिया। ऑफर लेटर अभी कंपनी नहीं दिया हमें ऑफर लेटर, और फ्री में हमसे काम 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं, 4 दिन से, 4 दिन से हम लोग फ्री में काम। और हमें अब सैलरी चाहिए। क्या काम करती थी तुम? हम लोग यहाँ पे हमारा मेन काम है यहाँ पे जो लोग कॉल करते पुलिस की हेल्प के लिए, हम लोग वो इवेंट क्रिएट करते तब पुलिस वहाँ जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे ना रहे तो कोई इवेंट क्रिएट नहीं होगा।